दर्शकों सत्यमेव जयते में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ कावेंद्र चौहान हूं। दर्शकों इस कार्यक्रम में जो कुछ कहा जाएगा वो सच कहा जाएगा और इस कार्यक्रम का मकसद है कि सत्य की जीत, सत्य को आखिरी में जिताना है, सत्य की आवाज को दबने नहीं देना है। दर्शकों आज ये बात करना चाहते हैं कि बांग्लादेश में क्या हिंदू होना पाप है? क्या बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार होगा? क्या बांग्लादेश में अब हिंदुओं का रहना मना है? इन्हीं सब पर चर्चा करेंगे एक बार फिर, क्योंकि दर्शकों आज एक बार फिर एक बड़ी खबर सामने। बांग्लादेश में 20 हिंदुओं के घर जला दिए गए। 20 हिंदुओं के घर का मतलब समझ लो, 20 परिवारों के घरों को, 20 परिवार जहां रहते थे उन मकानों को जला दिया गया। इसके साथ ही 70 से ज्यादा घरों में तोड़फोड़ की गई। कौन है ये लोग? शेख हसीना बार बार कहती है कि कानून का राज है, कानून का शासन है, सब कुछ मैनेज कर लिया जाएगा। कब मैनेज कर लिया जाएगा? जब हिंदुओं की संख्या वहां पर घटकर माइनस में चली जाएगी तब मैनेज कर लिया जाएगा। बार बार इस तरीके की चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। पहले हिंदुओं मंदिरों पर हमला हुआ, उसके बाद इस्कॉन टेंपल के महंत को मार दिया गया और अब हिंदुओं के घरों में तोड़फोड़ की जा रही है, हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं। पूरे बांग्लादेश से यही तस्वीरें आ रही हैं। कल तक कराची था, आज ढाका में भी यही सब कुछ हो रहा है। तो आखिर क्या है, क्या मैसेज है, क्या संदेश है? क्या यह संदेश देना चाहते हैं यह मुल्क कि अब हिंदू यहां नहीं रहेंगे? क्या यह संदेश देना चाहते हैं मुल्क कि इस्लामिक कंट्रियों में हिंदुओं का रहना अब मना है? तस्वीरें आप देख सकते हैं, इस्लामिक देशों की तस्वीरें हैं जहां पर हिंदुओं को किस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है। मैं वही बात कहूंगा, पाकिस्तान से भी ज्यादा बदतर हालात बांग्लादेश में अब बने हुए हैं। क्या कराची, क्या ढाका, जैसा पाकिस्तान में अब तक देखने को मिलता था अब वो सब कुछ बांग्लादेश में देखने। ये कोई पहली दफा नहीं, लगातार जब से बांग्लादेश को हमने पाकिस्तान से अलग करवाया, अलग मुल्क का दर्जा दिलवाया, उसके बाद से भी जो हिंदुओं की जनसंख्या है वो लगातार घटती चली। दर्शकों दिल में क्या है इनके, उसको निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर, कानून का राज, कानून का पालन, सुरक्षा, इन जैसे शब्दों से अब काम चलने वाला नहीं है। और शेख हसीना जी जो बार बार इस चीज को कहती है कि कानून का पालन है, कानून का राज होता है यहां पर, उनको क्या यह तस्वीरें नहीं दिखती? क्या हिंदुस्तान से यह तस्वीरें दिखाने की जरूरत है? कल तक पाकिस्तान को हम लोग यह तस्वीरें दिखाते थे और पाकिस्तान को पूरी तरह से ना कोई कारोबार, पाकिस्तान का सिर्फ बहिष्कार उनको जो मैसेज दिया और जिस तरीके से पूरी दुनिया में उनको आइसोलेट करके रखा है भारत ने, क्या बांग्लादेश भी वही चाहता है? क्या बांग्लादेश भी वही जवाब चाहता है? इसी पर आज चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले तस्वीरें आप देखते रहे कि हिंदुओं के साथ किस तरीके की बर्बरता हो रही है बांग्लादेश में। और इस वक्त एक ही बात कहना चाहिए, कहां छिपकर बैठे हैं वो लोग जो कल तक CAA का विरोध कर, कहां छिपकर बैठे हैं वो सूडो सेक्युलर गैंग जो कल तक कहते थे कि भारत में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होते हैं, बाहर के मुल्क में तो सब कुछ बढ़िया, वो सब लोग आज कहां छिपकर? ये तस्वीरें आंख खोलती हैं, ये तस्वीरें दिखाती हैं कि भारत में रहकर बराबरी का जो हक उनको मिला हुआ है सबको, किसी भी धर्म का, वैसा बराबरी का हक बाहर के मुल्कों में सोचना भी एक सपने जैसा है। ये देख सकते हैं भीड़ की बर्बरता, आप ये देख सकते हैं मेजोरिटेरियन शासन आखिर क्या होता है। ये है असली जिसकी बात की जाती है, बार बार बरगलाया जाता है लोग, लेकिन आज वो सब कहां छिप कर बैठे हैं, सब किसकी गोद पर जाकर बैठे हैं? इसी पर आज सवाल भी होंगे, इसी पर आज जवाब भी। दर्शकों किस तरीके से भीड़ बेकाबू होकर हिंदुओं को पॉइंट आउट करके उनके घरों को जलाती है, मंदिरों में घुसकर तोड़फोड़ करती है, पुजारियों को मारती है, महंतों पर हमला करती है, हिंदुओं के घरों में आग लगा दी जाती है, सब शांत, सब कुछ शांति से हो। लेकिन अगर
भारत जरा सी भी इन चीजों पर लगाम लगाने की कोशिशें होती हैं तो सब कुछ बिगड़ जाता है, एक एनार्की सी बना दी जाती है कि भारत में तो सब कुछ खतरे में पड़ गया। लेकिन आज जब बांग्लादेश से ये तस्वीरें हम देख रहे हैं तो हर कोई चुप है, कोई इस पर बात नहीं करना चाहता। दर्शकों, ये क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि इस पर शांत रहने का वक्त नहीं है। इससे पहले कल कश्मीर, परसों पाकिस्तान, उससे पहले अफगानिस्तान में हिंदुओं पर जिस तरीके से उन पर गोलियां बरसाई गई आखिरी समय पर, और भारतीय सरकार ने, भारत की सरकार ने उनको यहां पर सुरक्षा के साथ लाया। लेकिन क्या यही सब कुछ होता रहेगा? क्या हिंदुओं पर इसी तरीके का अत्याचार होता रहेगा और इसको कब तक बर्दाश्त किया जाता रहेगा? यह एक बड़ा सवाल, 21वीं सदी में हम लोग जी रहे हैं, लेकिन क्या आज भी हिंदू सुरक्षित नहीं है? क्या आज भी बाहर के मुल्कों में हिंदू सुरक्षित नहीं है? जनसंख्या हमने घटते हुए देखी है, पाकिस्तान को जब हमने एक अलग मुल्क का दर्जा दिया था तब सब कुछ बदलता हुआ दिखा था, लेकिन आज क्या कुछ है? हमारे साथ इस पर ज्यादा चर्चा के लिए दो मेहमान हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत को शुरू करेंगे। अखिल कौशिक साहब हैं, कांग्रेस हैं, और उसके साथ ही वंदना जी हैं, वो आरएसएस की विचारक हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का न्यूज वर्ल्ड इंडिया के मंच पर। नमस्कार। देखिए, कार्यक्रम का जैसा नाम है वैसे ही चर्चा को शुरू करेंगे, सत्यमेव जयते। सिर्फ सत्य की बात होगी, सच बोलेगा हर पक्ष। सबसे पहले तो मैं जाऊंगा वंदना जी के पास। वंदना जी, बस मैं एक सवाल करना चाहता हूं, आए दिन इस तरीके की तस्वीरें देते हैं, क्या गुरुवार, क्या मंगलवार, क्या सोमवार और क्या शनिवार कभी कश्मीर में हिंदुओं को पूछा जाता है, उनका धर्म पूछा जाता है, फिर गोली दी जाती है? पाकिस्तान में यही सब कुछ होता है, अफगानिस्तान में आखिरी वक्त पर यही सब कुछ हुआ, और बांग्लादेश में बीते एक हफ्ते से यही सब कुछ हो रहा है। क्या अब भारत के अलावा और किसी मुल्क में हिंदू सुरक्षित नहीं है, और क्या हमारी सरकार उनकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं रखती? क्या कुछ हो रहा है वंदना जी? आपने बिल्कुल सही कहा कि हिंदुओं का उत्पीड़न और हिंदुओं पर अत्याचार। ना मैम, अब तो अत्याचार क्या, अब अत्याचार और उत्पीड़न नहीं हो रहा है, अब तो सिर्फ कत्लेआम हो रहा है। अब तो हत्या की जा रही है। ये आज से नहीं है। आपको मैं बता दूं कि हिंदुओं की सहनशीलता का, हिंदुओं की उदारता का, हिंदुओं की वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन का, हिंदुओं के कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संत निरामया का लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया है। इसके पहले मुगलों के जमाने में अत्याचार हुआ, अंग्रेजों के समय में अत्याचार हुआ, कश्मीर पर अत्याचार हुआ, पाकिस्तान में अत्याचार हुआ, बांग्लादेश में अत्याचार हुआ, और अपने ही देश के कई क्षेत्रों में आप देखिए, केरल में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, बंगाल में भी हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है, कहां नहीं हुआ है इस अत्याचार का? तो इनका शोषण, उनके साथ जबरन धर्म परिवर्तन, सामूहिक नरसंहार, गुलाम बनाना, उनके धर्म स्थलों को, उनके शिक्षण संस्थाओं का विनाश करना, और इसके अलावा भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मलेशिया, सभी देशों में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, हो तो रहा है। रही बात सरकार की, सरकार ने जब जब प्रयास किए हैं, अपने ही देश में लोगों ने इसका विरोध किया है। सीएए का जब हिंदुओं को ही समर्थन देने के लिए, हिंदुओं को संरक्षण देने के लिए, कहीं भी जहां पर अल्पसंख्यक है भारत के अलावा अन्य देशों में, वो उसमें अधिकतर हमारे हिंदू ही है। वंदना जी, आप जो कुछ बातें कर रही है उससे ये चीज निकल कर सामने आ रही है, क्या परखपड़ की बात हुई? सरकार ने इसके लिए प्रयास किए तो शाहीनबाग बन गए, सरकार ने इसके लिए प्रयास किए तो भारत में चिकन नेक काटने की बात हो गई। तो ऐसे ऐसे मीर और जाफर चंद पर यहाँ पर घूम रहे हैं, उनके लिए सबसे प्यार, और यही बात है कि भारत के हिंदुओं की सहनशीलता का, हिंदुओं की सहिष्णुता का, हिंदुओं की उदारता का हमेशा हमेशा उसका दुरुपयोग किया गया, उनको दबाया गया है, इसलिए इस पर जरूर चिंता की बात है ये। और वंदना जी, आपको नहीं लगता कि सरकार की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? वंदना जी, आपको नहीं लगता कि सरकार की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? हिंदुओं को सुरक्षा देना प्राथमिकता होनी चाहिए, या फिर कुछ मुट्ठी भर लोग जो सड़कों पर
सड़कों को जाम करते थे उनसे डर जाना प्राथमिकता होनी चाहिए। उनसे डर जाएगी क्या नहीं, सरकार नहीं, नहीं, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। और ना ये सरकार डरी है ना ये सरकार तो हिंदुओं पर ये जो खतरे की जो तलवार लटक रही है इसका जिम्मेदार आखिर फिर कौन है जी? हिंदुओं पर हर वक्त जो ये तलवार लटक रही है खतरे की इसका फिर जिम्मेदार कौन है? देखिए इसके लिए तो जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने तुष्टीकरण की नीति अपनाई जब कश्मीर से हमारे हिंदू भाई भाग रहे थे, कश्मीरी पंडित अपने जान की रक्षा की गुहार लगा रहे थे तो कोई नहीं सामने आया। आज तक उनकी पीड़ा का ध्यान देने वाले जो कुछ भी ध्यान दिया जा रहा है वर्तमान सरकार द्वारा ही दिया जा रहा है। तो ये तो यहाँ पर तुष्टीकरण की नीति के चलते हिंदुओं के साथ ये पूरा का पूरा माहौल नहीं खड़ा किया गया बल्कि उनको दबाने का कुत्सित पीछे का प्रयास किया गया है। इस सरकार के आने के बाद तो कुछ आशाएं बढ़ी है लेकिन यह भी मानना पड़ेगा कि जब जब इनके संरक्षण की बात होती है तब तब शाहीन बाग खड़े होते हैं, तब तक चिकन नेक काटने की बात होती है, तब तक कहा जाता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो मैं सारे हिंदुओं का कत्लेआम कर दूंगा। ऐसे ऐसे लोग जो है ना अभी भी जो आपके केरल में देखिए क्या स्थिति है वहां पर। तो इस तरह से जब जब ऐसा होता है जब जब प्रयास किए जाते हैं ऐसे लोग हिंदुओं को और दबाने के लिए हिंदुओं को काटने के लिए हिंदुओं को मारने के लिए आपदा है। लेकिन आवश्यक है कि सरकार अन्य विषयों के ज्यादा इन विषयों पर सतर्कता बरते, ध्यान दे, इसके लिए रणनीति तय करे और सशक्त कदम उठाए। अन्यथा हिंदुओं की सहिष्णुता का, हिंदुओं के ऊपर हुए अत्याचारों का कोई अंत नहीं होने वाला। ठीक है वंदना जी, आपका पॉइंट मुझे मिल गया। ठीक है अब अखिल कौशिक जी के पास जाना चाहूंगा। अखिल कौशिक जी ये बताइएगा कि बड़ा विरोध करते रहे आप, बड़ा अंत तक विरोध करते रहे, रोजाना देख रहे हैं ना किस तरीके से घर जलाए जा रहे हैं, किस तरीके से मारा जा रहा है, किस तरीके से कत्लेआम हो रहा है। जो कराची था अब वो ढाका है, बांग्लादेश में भी वही सब कुछ है। जब सरकार सीए की बात कर रही थी तब आप ही लोग थे जिन्होंने तमाशा दर तमाशा किया, सड़कों पर लंबा जाम किया। आज उसकी वजह से क्या कुछ हम लोग भुगत रहे आप देख रहे हैं। देखिए जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी के जी के नेतृत्व में बनी है, लगातार आप विदेश नीति आप देख लीजिए, हमारे संबंध पड़ोसियों के साथ बहुत बुरी तरीके से खराब है। आप सीए का विरोध करेंगे पढ़ो, मैं उस पर क्या देखूं, विदेश नीति देखूं? आप सीए का विरोध करेंगे उस पर विदेश नीति? बिल्कुल देखिए, बांग्लादेश जो हमारा खुद का बनाया हुआ देश है, अगर हम जो हमारा पड़ोसी मुल्क है जिसके जिसके साथ हमारे संबंध अच्छे थे तो आप वहां भी टैकल नहीं कर पा रहे हैं। चीन भारत में घुस के बैठा है, पाकिस्तान के साथ हम रोज नोटबंदी की बहुत सारे वादे किए गए, कश्मीर में 370 लगाने के बाद आतंकवाद खत्म होने की बात कही गई लेकिन उसके बावजूद भी आज सेना पे भी हमले लगातार हो रहे हैं। दो चीजों को डिस्टर्ब मत कीजिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार मामले में फेल होती चली जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की अपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के अंदर है तो मुझे बताइए आप कौन खतरे में है? कोई खतरे में नहीं है। जब जब इस सरकार को बचाया जाता है तब तब हिंदू खतरे में आता है। आपकी सरकार हिंदू खतरे में नहीं है, इस देश की सरकार यहाँ अपना विश्वास खो चुकी है। इस देश की सरकार का जनता आपको देख रही है, जनता आपका चेहरा देख रही है, चाहे महंगाई के स्तर पर हो, जनता आपका चेहरा देख रही है और जनता आपसे पूछ रही है कि जब सीए के लिए सरकार कह रही थी तब आप उसका विरोध क्यों कर रहे थे? आप क्यों नहीं चाहते थे सीए कि अफगानिस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश माइनॉरिटी में हिंदू है जिन पर अत्याचार होता है उनको भारत लाया जाए? आप क्यों विरोध कर रहे थे? जनता आपको देख रही है, आपके चेहरे को देख रही है। हाँ बिल्कुल, चेहरे को बिल्कुल देख रही है, लोकतांत्रिक अवस्था में अपना बात कहने का अधिकार है। जब आसाम के अंदर सीए के अंदर बहुत सारे हिंदुओं और पूर्व राष्ट्रपति तक को भी नागरिकता, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, गरीब है, किसान जो बेचारा गरीब है, आज किसी के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आप केवल उस बिना के अंदर उसे नागरिकता देने से अगर इंकार करेंगे तो इस देश में कैसे चलेगा? मुझे बताइए, जो इस देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं उनके पास खुद डॉक्यूमेंट नहीं है कि वो इस देश के नागरिक है या नहीं है। कितनों की नागरिकता छीन ली गई? एक सेकंड, मुझे एक बात बताइएगा, नागरिकता छीनने का पूरा पूरा प्रयास किया जा रहा है,
मुझे एक बात बताइए, अगर बांग्लादेश के अंदर है तो ये मोदी जी की विदेश नीति पूरी तरीके से फेल है, और कश्मीर के अंदर अगर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा क्या है, करें मोदी जी, मोदी जी क्या हिंदू कश्मीर से कब माइग्रेट हुआ, मोदी जी कब किसकी सरकार थी, दो चीजों पर जनता को मत करकलाइए, एक सेकंड विदेश नीति कंट्री टू कंट्री का टर्म होता है की सरकार में, आप भ्रमित कर रहे हैं, एक मिनट रुकिए आपको बोलने दूंगा, लेकिन एक मिनट रुकिए, आप जनता को भ्रमित मत करिएगा, रुकिए एक मिनट, मेरी बात सुनिए, मेरी बात यह है कि दरअसल जब कंट्री का कंट्री के साथ डिप्लोमेटिक टर्म्स होते हैं, विदेश नीति होती है, तो सेना चीफ की सेना चीफ से बात होती है, प्रधानमंत्री की प्रधानमंत्री से बात होती है, नेता मंत्रियों की मंत्रियों से बात होती है, ठीक है, हम यहां पर बात कर रहे हैं उस माइंडसेट की जो वहां पर हिंदुओं के घरों को तोड़ रहा है, वहां की सेना नहीं तोड़ रही है, वहां पर लोग, वहां की भीड़ तोड़ रही है, वहां पर सेना आग नहीं लगा रही है, वहां के लोग आग लगा रहे हैं, उस माइंडसेट की बात कर रहा हूं जो माइंडसेट दरअसल नहीं बदला, पाकिस्तान में नहीं बदला, बांग्लादेश में नहीं बदला, अफगानिस्तान में नहीं बदला, लेबनान में नहीं बदला, वो नहीं बदला, उस पर बात हो रही है, और ऐसे में हिंदुओं को उनके बीच से निकालकर भारत लाने की आवश्यकता थी, लेकिन आपने विरोध किया, की घटना है बांग्लादेश के घटना है उसकी हम निंदा कर रहे हैं, निंदा का क्या करें, निंदा का गद्दा बनाकर सो जाएं, एक मिनट रुकिए, निंदा का क्या करेंगे, रुकिए आप, आपने सीए का विरोध किया, बोलने दे, नहीं वंदना जी आप पर आऊंगा, एक मिनट रुके, अखिल जी से बात कर लेता हूं, अखिल जी निंदा का क्या करें, आज जनता आपकी तरफ देख रही है और शर्म महसूस करिए, आपने सीए का विरोध किया, आप लगातार विरोध करते रहे, आप चाहते रहे कि हिंदू वापस ना लौटे, जिसकी वजह से आज उनके घरों में आग लगाई जा रही है, उनके घरों में तोड़फोड़ की जा रही है, उसके जिम्मेदार आप हैं, मानते हैं हां या ना, इसकी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा भी है, कहीं ना कहीं कि हिंदुस्तान के अंदर लिंचिंग की घटनाएं हो रही है, चर्चों पर हमले हो रहे हैं, आपको चर्च की बड़ी जल्दी चिंता सताती है, मस्जिदों की बड़ी जल्दी चिंता सताती है, लोगों को मारा पीटा जा रहा है, आपसे मैं हिंदुओं पर जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है, उनका कत्लेआम हो रहा है बांग्लादेश में, वहां की बात कर रहा हूं, आप तुरंत चर्च पे पहुंच गए, आप मस्जिद में पहुंच गए, चर्च और मस्जिद की बात नहीं हो रही अभी, अभी हिंदुओं के कत्लेआम की बात हो रही है, इनकी चर्च को ज्यादा चिंता रहती है, इनकी भारतीय जनता पार्टी मोदी जी पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, लेबनान, सीरिया, कौन से चर्च पर हमला हो गया जो आप इतना परेशान है, देखिए कांग्रेस इतना परेशान है, कहीं भी होगी किसी चर्च पर हमले से, कांग्रेस इतना परेशान है, हिंदुओं पर हमला हो रहा है, आपको अगर किसी का भी कत्लेआम उसे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया, अरे हिंदुओं का हो रहा है कहने में डरते हैं क्या, हिंदुओं का हो रहा है कहने में डरते हैं क्या, चंद वोटों के खाते नहीं, बिल्कुल सब पे, इसमें हिंदू भी है सब, मैंने कहा चंद वोटों की खाते डरते हैं क्या, ईसाई हो सिख हो जैन हो पारसी, किसी पे भी हमला हो, इतनी बड़ी पार्टी आज इतनी मजबूर कैसे हो गई कि हिंदू शब्द से नफरत करने लगे, कोई मजबूरी नहीं है, हिंदू कहने से डर गया, किसी भी धार्मिक, आज हिंदुओं का नाम लेने से डर रही है, किसी भी इतने मजबूर कैसे हो गए आप, बिल्कुल इतनी बड़ी पार्टी 70 साल देश के साथ है, कांग्रेस किसी कहने से डर रहे हैं आप, कांग्रेस किसी हिंदू शब्द का जिक्र किसी धर्म को लेकर साथ नहीं चलती है, क्यों घबरा रहे हैं आप, सारे धर्मों के साथ लेकर चलती है, वोटों के लिए घबरा रहे हैं आप, हिंदू कांग्रेस सभी धर्मों के साथ लेकर के चलती है, तुष्टिकरण, हिंदुओं की तुष्टिकरण और इस तरीके के सब्जेक्ट, ये कुछ चैनल्स और कुछ पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का काम है, कांग्रेस का काम नहीं है, बांग्लादेश हिंदू नाम लेने से कोई नहीं घबरा रहा, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, आप क्यों नहीं बोल पा रहे, क्यों घबरा रहे, कहीं भी क्यों पसीना आ रहा है आपके, क्यों घबराहट है चेहरे पर, भाई मुझे बताइए किसी भी धर्म के आदमी पर कहीं भी किसी भी धर्म का नहीं, हिंदू धर्म हिंदू धर्म पर अत्याचार हो रहा है, हिंदू धर्म पर अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में, आप क्यों घबरा रहे, हिंदू धर्म पे भी हो रहा है, मुस्लिम पर हो रहा है, डर रहे हो रहा है, कांग्रेस पार्टी क्यों डर रही है भाई, या सब सब कौशिक साहब क्यों डर रहे हैं, एक ही चश्मे से नहीं देखी जा रही, कौशिक साहब क्यों डर रहे हैं, आप घटना को एक ही तरीके से देखेंगे ना, कौशिक साहब लेने से क्यों डर रहे हैं आप, हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा कोई है, नहीं डर रहा हिंदू नाम लेने से, कोई नहीं डर रहा, क्यों अगर हिंदुओं पे भी हमला हो रहा वो भी गलत है, मुस्लिमों पे हमला है वो भी गलत है, आपको अगर लिंचिंग की जा रही है वो भी गलत है, अरे लिंचिंग की बात नहीं हो रही मेरे भाई, लिंचिंग की बात नहीं हो रही कौशिक साहब, बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है उसकी बात हो रही है, लिंचिंग कहां से आ गया, आप लगातार भी आप दूसरे देशों की बातें कर रहे हैं, अपने देश में, अपने देश में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में हिंदुओं का जो कत्लेआम हो रहा है उसकी चर्चा कर रहा हूँ, और कांग्रेस के यहाँ पर जो नेता बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं कि पहले देश में लिंचिंग को देखिए, पहले ये देखिए कि चर्च का क्या हो रहा है, पहले आप देश में देखिए कि मस्जिदों में क्या हो रहा है,
किसान मारा जा रहा है, नौजवान मारा जा रहा है, लोगों के जनता को कुचला जा रहा है इस देश के अंदर। आप विरोध करते रहे, आप मुझे बताइए, देख रही है जनता इनका चेहरा, देख रही है देश के अंदर किसानों को कुचला जा रहा है, बेरोजगारों पे लाठियां बरसाई जा रही है, डरते हैं आप, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, नाम लेने से डरते हैं आप, मुझे आप बताइए, कत्लेआम हो रहा है उसका नाम लेने से डरते हैं आप, महज चंद वोटों के लिए कत्लेआम किसी भी धर्म का होना नाजायज है, बिल्कुल मत घबराइए, सत्य कार्यक्रम का नाम है, आपसे सत्य निकलवा कर रहूंगा, बोलिए हिंदुओं का नाम लेने से बिल्कुल सत्य, बिल्कुल सत्य कार्यक्रम का नाम है, सत्य की जीत होगी और आप बोलेंगे, आप हिंदुओं का नाम लेने से डर रहे हैं आज सर, आप सरकार को कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए, शिकन माथे पर सरकार कड़े से कड़े कदम उठाए, बांग्लादेश सरकार से डिप्लोमेटिक तरीके से बात करे और उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए, सुरक्षा की व्यवस्था जब की जाएगी तो उन्हीं फाइलों पर आप आग लगाएंगे, सीए का विरोध आप करते हैं, कोई जब हिंदुओं की सुरक्षा की बात कर रहा है, गलत बातों का विरोध किया जाता है, देश देख रहा है इस देश के अंदर, जब हिंदुओं की सुरक्षा की बात देश से कहना चाहता है, देश आपको भी देख रहा है कि आप किस विषय पे दर्शकों जब जाना चाहते हैं, जब जब हिंदुओं की सुरक्षा की बात की गई, जब जब माइनॉरिटी जो बाकी देशों में रहते हैं जो कि हिंदू हैं उनको भारत लाने की बात की गई, तब यही कांग्रेस सबसे पहले खिलाफ नजर आई, मैं सीए की बात कर रहा हूँ, कांग्रेस कभी किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, कांग्रेस पूरे देश की एकता अखंडता बनाए रखना चाहती है, कुछ एक भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा समाज में अलगाव पैदा करना चाहती है, और कुछ चैनल मैं नाम नहीं लेना चाहता, विशेष एजेंडे के तहत इस तरीके की बहस चलाए रखना चाहते हैं, महंगाई का मुद्दा इस देश के अंदर क्यों नहीं उठाया जाता, नाम लीजिए चैनलों का, किसानों का मुद्दा क्यों नहीं उठाया जाता, दलितों का मुद्दा क्यों नहीं उठाया जाता, महिलाओं को उत्पीड़न का मुद्दा क्यों नहीं उठाया जाता, रोजगार का मुद्दा क्यों नहीं उठाया जाता, मुझे बताइए आप, मैं बताता हूँ आपको क्योंकि आप चाहते हैं कि हिंदुओं का कत्लेआम होता रहे, यहाँ देश में बाकी चीजों में हिंदुओं का कत्लेआम होता रहे, आप हिंदू नाम लेने से घबरा रहे, आपको देश देख रहे हैं, आप एक्सपोज हो चुके हैं बुरी तरह से, सभ्य समाज किसी की हत्या और किसी समाज को उत्पीड़न की कोई भी इजाजत नहीं देता, कोई सभ्य समाज, कोई राजनीतिक और विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी, आपने कहा कोई भी राजनीतिक दल ये नहीं चाहता, मतलब आप भारतीय जनता पार्टी को आप क्लीन चिट दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दे, इसी तरीके से आखिरी जनता पार्टी समाज में अलगाव पैदा, बहुत अच्छी बात है, भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ समाज में अलगाव पैदा कर दिया, आपने कहा कि कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं चाहती है, आपने बहुत अच्छी बात पर इसके लिए कौशिक आपका शुक्रिया, आपके मुंह से शब्द नहीं निकाल रहा हूं, आपने खुद बोला, मेरे मुंह पर शब्द मत डालिए, और भारतीय जनता पार्टी ने इस तरीके से लोगों का ध्यान बताने के लिए कुछ मीडिया चैनल्स के जरिए इरेगुलर बहस शुरू करा दी है, आप अटक क्यों रहे हैं शब्दों में, क्या हुआ आपके शब्दों में, कुछ नहीं हो रहा है, मोदी पूरी तरीके से फेल है, उनकी विदेश नीति फेल है, नेपाल का मामला ले लीजिए, चीन का मामला ले लीजिए, पाकिस्तान से हमारे संबंध मधुर नहीं है, बांग्लादेश से ले लीजिए, राहुल गांधी पास हो गया है, राहुल गांधी क्या कह रहे हैं बताइए, रुकिए अब आप, राहुल रुकिए अब आप, ठीक है अब मेरे साथ एक और है, बिलाल साहब और है मेरे साथ, बिलाल साहब बकारा चपट्टी नहीं, अच्छा ठीक है, बिलाल साहब जो थे आरएलडी से थे वो शायद अभी नहीं जुड़े हैं, बकार भट्टी साहब भी हैं हमारे साथ, ठीक है बकार साहब, तो क्या हो रहा है ये कश्मीर में, तो आप देखते ही हैं कश्मीर में, तो आपके साथ के जो लोग हैं वो तो चुन चुन कर हिंदुओं को निशाना बनाते ही हैं, अब बांग्लादेश में भी ये सब कुछ हो रहा है, तो बड़ा आपको तो बड़ा ठीक ठीक लग रहा होगा, अच्छा अच्छा लग रहा होगा, आपको समझना पड़ेगा ये जो स्टार्ट हुआ ना ये भारत से स्टार्ट हुआ, जब आप जैसा इंसान, आप एक बात समझते हैं, कश्मीर का जो मुसलमान है, कश्मीर में जो मुसलमान रहते हैं उनकी सुरक्षा के लिए बकायदा सेना लगाई गई है, उनको सुरक्षा दी जाती है अलग, उनके लिए तमाम इंतजाम किए जाते हैं, कश्मीर के हर एक छात्र के लिए पढ़ाई के लिए अलग से खर्चा किया करती है सरकार, अलग से उनको दिल्ली में लाकर पढ़ाया जाता है, अलग से काम किए जाते हैं, ये सुरक्षा देती है भारत, ये भारत में सुरक्षा मिलती है माइनॉरिटी को, बोलिए मुझे बोलने देंगे, बोलिए मुझे बोलने देंगे, जब यही चीजें हिंदुस्तान में हो रही है ना आज से नहीं 30-32 सालों से, गुजरात से, तभी आप टीवी पर बैठकर मुस्कुरा के बकायदा एसी के अंदर बैठ के सामने मेरे पानी पीते हुए बातें कह रहे हैं, भारत में क्या हो रहा है, भारत में क्या हो रहा है, दुनिया तो सबसे ज्यादा मुसलमान कहीं पर है तो वो भारत में,
इतना याद रखिएगा। और दूसरी बात, जितना ज्यादा सुरक्षित मुसलमान यहाँ पर है उतना कहीं नहीं है। आप जो बैठ कर भारत के खिलाफ बोलते हैं टीवी पर बैठे हैं क्योंकि आप भारत में हैं, आप सोच सकते हैं। अरे मेरे भाई सुनिए तो सही, ठीक है बोलिए बोलिए बंद्रा जी, एक मिनट बंद्रा जी रुकिए, इनको थोड़ी देर बाद अफगानिस्तान भेजूंगा मैं, रुकिए आप जी, वकार बोलिए। सुनिए तो पूरी बात, जब तक नहीं सुनेंगे समझ कैसे आएगा। अब मोदी की तरह मत करिए ना, खुद ही पहले लफ्ज से अगर आप जहर उगलना शुरू करेंगे, पहले लफ्ज से अगर जहर उगलना शुरू करेंगे तो यहाँ पर कोई जहर का संसाधन केंद्र नहीं खोल रखा है मेरे, क्या आपके सारे शब्द सुनूंगा मैं, बोलिए। अरे मैडम चुप कर यार, आप पहले तो आप पहले कायदे से बात करेंगे, मेरे किसी भी पैनलिस्ट से आप इस तरीके से बात नहीं करेंगे वकार जी, ठीक है वंदा जी। आप मछली की तरह नहीं, मरी हुई मछली की तरह बीच में क्यों टपक रहे हैं सभी, बोलने दे, बुलाया तो मैं, मेरे पास इतना टाइम थोड़ी है कि मैं आप सबकी सुनूंगा। नहीं नहीं वकार, मेरी सुनोगे तो मैं भी बात सुनूंगा आपकी। वकार बोलिए आप, मेरी सुनो, आप मेरी सुनो। अगर कोई आदमी या कोई औरत कुरान पाक को जिस तरीके के साथ सुनने को आया, बांग्लादेश में कुरान पाक की तोहिन की गई, तो दुनिया का कोई भी मुसलमान वो रिएक्ट करेगा। अगर आप भारत में आपकी मीडिया पे जाएं, आपकी मासूमियत पर ताली बजाने का जिक्र करता हूं, सुनिए आप हर जगह कहीं भी, रुकिए वकार, आप देश को बदला रहे हैं, भ्रमित करते हैं। आप जैसे लोग कुरान पाक का यहाँ पर जिक्र कहाँ से आ गया, कुरान पाक का जिक्र कहाँ से आ गया, कुरान पाक का जिक्र कहाँ से आ गया। आप हर उस कत्लेआम कर देंगे जो कुरान पाक से जुड़ के बोलेगा। रुकिए आप या आतंक की धमकी आमद दीजिए, आतंक की धमकी आमद दीजिए, रुकिए आप। क्यों दूसरे देश के बीच में इंटरफेयर कर रहे हो, उसकी बात करो। सोशल मीडिया में प्रोफेट मोहम्मद और कुरान के खिलाफ जब लिखा जाता है आप लोग डिबेट करते हैं। कल आपने एक गोबर बैठाया हुआ था, लास्ट में उसने प्रोफेट मोहम्मद के खिलाफ क्या बोला, आपने एफआईआर की है, किया आपने एफआईआर, नहीं कर सकते आप तो, आप तो कत्लेआम करते हैं, अपने से प्रॉब्लम है दूसरों से नहीं है। नहीं आप तो कत्लेआम करते हैं, वो बातें करिए, ये मीठी मीठी बातें मत करिए, मिश्री मिश्री वाली बातें मत करिए, जो आपके मन में है। हकीकत बोल रहा हूँ मैं, हकीकत बोल रहा हूँ, सुनिए मेरी बात। चाहे धर्म कोई भी हो, किसी भी देवी देवता पैगंबर के खिलाफ कोई भी बोले, कोई भी लिखे, बिल्कुल गलत है, और वैसे ही आपको भी गलत कहना चाहिए। लेकिन कल एक आदमी टीवी पर बैठ के प्रोफेट मोहम्मद के, आज मैं बांग्लादेश पर डिबेट कर रहा हूँ, आज मैं बांग्लादेश पर डिबेट कर रहा हूँ, कल के मुद्दे कल तक रखिए, आज मैं बांग्लादेश पर डिबेट कर रहा हूँ वकार, कल का गुस्सा कल तक ही रखना था, कल ही बोलना था, आज बताइए, आज बांग्लादेश की बात करिए। हाँ भाई मेरे बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ, जब ऐसे गोबर भारत में आपने पैदा करके रखे, भारत में मुसलमान इतना सुरक्षित है कि आप बैठ कर यहाँ पर बकवास कर रहे हैं, भारत में मुसलमान इतना सुरक्षित है, आप यहाँ बैठ कर पानी पी पी कर भारत को कोस रहे हैं, तब भी आपको भारतीय सेना आपके घर के बाहर सुरक्षा से निकले खड़ी है। मुल्कों से जवाब मिलेगा आपको, दूसरे मुल्क जो मुसलमान है ना वो चुप करके नहीं बैठेंगे, यहाँ के मुसलमान। आप मुझे धमकी दे रहे हैं, आप धमकी दे रहे हैं क्या, दूसरे देश के मुसलमानों की धमकी दे रहे हैं क्या, दूसरे देश के मुसलमानों की धमकी देंगे क्या आप यहाँ बैठ के, दूसरे देश के मुसलमानों को देखकर धमकी देंगे क्या आप, ISIS की धमकी देंगे यहाँ टीवी चैनल पर बैठ कर, आप ISIS के भाई हैं, आप यहाँ टीवी चैनल पर बैठ कर धमकी देंगे ISIS की, आप तालिबान की यहाँ धमकी देंगे, किसकी धमकी दे रहे हैं आप, तालिबान क्या, आप किसकी धमकी दे रहे हैं, आप ISIS की धमकी दे रहे हैं, तालिबान की धमकी दे रहे हैं, खुलकर बोलिए जरा, ये मैं PCR से कहूंगा इसको रिकॉर्ड करिए जरा, ठीक है इसको रिकॉर्ड करिए इस क्लिपिंग को पूरा, आप बताइए आप किसकी धमकी देना चाहते हैं, तालिबान की धमकी दे रहे हैं क्या ISIS की धमकी दे रहे हैं, बात सुनेंगे नहीं, आप बताइए पहले सुनने की, नहीं आप बताइए, पानी पी लीजिए, नहीं सोडा में अभी आपको पिलाऊंगा, दो मिनट रुकिए, आप ये बताइए आप ISIS की धमकी दे रहे हैं कि तालिबान की धमकी दे रहे हैं, आप ISIS की धमकी दे रहे थे कि तालिबान की धमकी दे रहे थे, आपके मन में जो आया था गुबार उसको बाहर रखिए, किसकी धमकी दे रहे थे, पाकिस्तान की धमकी दे रहे थे, पाकिस्तान की धमकी दे रहे थे, बोल खुल चुकी आपकी, नकाब गिर गया जमीन पर, नकाब गिर गया जमीन पर, चेहरा सामने है, किसकी धमकी दे रहे थे, पाकिस्तान की धमकी दे रहे थे, तालिबान की धमकी दे रहे थे, किसकी धमकी दे रहे थे, हम इंसान की जान नहीं ले सकते ना, हम क्या करें, ठीक है गुस्सा क्यों कर रहे हैं, सुन ले, पाकिस्तान की धमकी दे रहे थे, तालिबान की धमकी दे रहे थे, किसकी धमकी दे रहे थे, आपने कहा कि वो चुप नहीं बैठेंगे, वो आएंगे, वो मारेंगे, आप बताइए पूरा प्लान क्या है आपका,
क्या बताना चाह रहे हैं? पूरी बात तो सुनिए ना, बताइए। अब मेरे भाई पूरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो, बीच में क्यों आ रहे हो यार? सुन तो लो पूरी बात, सुन लो पूरी बात, बताइए। मैंने बोला है कि जब आप भारत में मुसलमानों को तंग करते हैं, परेशान करते हैं, उनके ऊपर डरा रखते हैं, प्रेशराइज करते हैं, उनको जेलों में डालते हैं, आतंकवाद के इल्जाम लगा के, लव जिहाद के इल्जाम लगा के, लैंड जिहाद के इल्जाम लगा के जेलों में डालते हैं, गाय के ऊपर लोगों का कतलेआम करते हैं, तो दूसरे मुल्कों के जो मुसलमान हैं वो थोड़े चुप बैठेंगे भाई? अगर उनके साथ, उनके प्रॉफिट के साथ, कुरान के साथ कोई बेहरमगी करेगा तो क्यों खामोश बैठेंगे वो? उनको थोड़ा इंडियन मोदी का डर है यहाँ, जैसे यहाँ के मुसलमानों को मोदी का, अमित शाह का डर है, वहाँ थोड़ी डर है उनको। तो वहाँ जो हिंदू रह रहा है उसको भी तरीके से रहना चाहिए ना। ठीक है, आपका कहने का मतलब समझा। ठीक है वकार साहब, आपकी बात मिल गई। ठीक है वकार, वकार आपकी बात मिल गई मुझे। मैं तीनों पैनलिस्ट से एक बात बता देता हूँ, आसान भाषा में इसको बताता हूँ कि वकार साहब ने अभी जस्ट क्या बोला। वकार ने यह बोला कि मैं अगर घर के बाहर निकलता हूँ, अगर पुलिस आती है और गलती से इनको पकड़ लेती है, इनसे कहती है कि अभी यहां से जो गुजरा वो तुम ही थे क्या, इनको पकड़कर अगर इनको पुलिस जरा सा इनको धक्का दे देती है, तो ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान में ये कत्लेआम करवा देंगे हिंदुओं का, ये अफगानिस्तान में कत्लेआम करा देंगे हिंदुओं का, ये बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम करा देंगे। आप यही तो कहना चाहते हैं, आप कहना चाहते हैं कि अगर एक भी पाकिस्तान, एक भी मुस्लिम के साथ भारत में अगर जुल्म होगा तो आप भारत के मुल्कों में हिंदुओं को मरवा देंगे। आपने अभी यही बात बोली, आपने अभी यही बात बोली। आपने कहा कि अगर मुसलमान को किसी को भी तंग किया गया तो पाकिस्तान में मैं हिंदुओं को मरवा दूंगा। आपने कहा कि मैं बांग्लादेश में हिंदुओं को मरवा दूंगा। आपने ये बात कही, आपने बात कही। बता रहा हूँ क्या बोला मैंने, क्या बोला बता रहा हूँ, चुप करिए। जैसे यहाँ हर दिन आरएसएस, ये आपकी आईएसआईएस की शाखा नहीं लगी है यहाँ पर? चुप करिए, ये करिए, सुनिए तो सही। आप पहले ये भाई एक मिनट बात करने का लहजा, एक मिनट में सुन लीजिए। हाँ एक मिनट मुंह बंद रखिए, एक मिनट। मैं कह रहा हूँ जैसे भारत में सोशल मीडिया में प्रोफेट मोहम्मद या कुरान या अल्लाह के खिलाफ कंपेन चलाई जाती है, गलत अल्फाज लिखे जाते हैं, बोले जाते हैं, तो यहाँ का मुसलमान अगर रिएक्ट इसलिए नहीं करता क्योंकि अगर रिएक्ट करेगा आप मुसलमान को यहाँ जेल में डालते हो। तो ऐसे अगर बांग्लादेश में या दूसरे देशों में हिंदू इस तरीके आप पेरिस में घुसकर चार्ली हेब्दो की हत्या कर देते हो, आप कमलेश तिवारी को लखनऊ में जाकर मार देते हो, आप पूरे दुनिया में, पूरा मिडिल ईस्ट आपकी वजह से जल रहा है, उस पर आप नहीं बोलते? तो देखिएगा सर, तो मैं ये कह रहा हूँ ना, जीने दो ना, क्यों उंगली दे रहे हो? जीने दो मुसलमानों को, मुसलमानों को जीने दो। पूरा मिडिल ईस्ट, पूरा मिडिल ईस्ट जल रहा है, पूरा मिडिल ईस्ट जल रहा है। इस्लामिक राष्ट्र बनाना था, दुनिया ने कहा बना लो भाई, बना लिया, जला दिया, सब कुछ जला डाला, सब कुछ जला दिया, अफगानिस्तान पर पूरा कब्जा कर लिया, और कौन सा राष्ट्र बचा है? कौन सा राष्ट्र बचा है? कहां तक कब मानेंगे आप, कब मानेंगे? और उनका उनका वो उनका मुल्क क्या है, वो जो मर्जी करे, आपको उससे मतलब क्या? मुझे मतलब उन्हीं का मुल्क है, मुझे मतलब क्या? आप टीवी पर बैठकर बोलेंगे कि मैं पाकिस्तान में हिंदुओं को मरवा दूंगा, मैं बांग्लादेश में हिंदुओं को मरवा दूंगा, और फिर आप बोलेंगे कि उनका मुल्क क्यों बोले? मैंने ये बोला ही नहीं। अगर पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में या बांग्लादेश में, भाई ये आपका मुल्क नहीं है क्या? ये मुसलमानों का मुल्क नहीं है क्या? ये मुसलमानों का मुल्क नहीं है क्या? एक सेकंड, ये मुसलमानों का मुल्क नहीं है क्या? आप इसको मुसलमानों का देश नहीं मानते क्या? जितना ये हिंदुओं का मुल्क है उतना ही मुसलमानों का मुल्क है। आप अगर बार बार ये बात बोलेंगे कि किसी भी मुसलमान पर अत्याचार होगा तो आप बाहर के देशों में हिंदुओं पर अत्याचार करेंगे। आप बाहर से आए हुए हैं क्या? आप बाहर से आए हुए हैं क्या? आप अपने आप को किस देश से जोड़ते हैं? दिल में पाकिस्तान, जुम्मन में हिंदुस्तान, अब नहीं चलेगा वकार। दिल में पाकिस्तान, जुम्मन में हिंदुस्तान, अब नहीं चलेगा। ये पोल खुल चुके हैं, कश्मीर मुंह में भी कश्मीर है, मुंह में भी कश्मीर है, दिल में भी कश्मीर है, मुझे किसी दूसरे को कश्मीर है। हिंदुस्तान है ना मुंह में, हिंदुस्तान है ना मुंह में, बोलिए हिंदुस्तान जिंदाबाद। अभी आपकी पोल खोल के रखता हूँ, अभी आपकी पोल खोल के रखता हूँ, बोलिए हिंदुस्तान जिंदाबाद, बोलिए हिंदुस्तान जिंदाबाद, अभी आपकी पोल खोल के रखता हूँ, बोलिए हिंदुस्तान जिंदाबाद, बोलिए हिंदुस्तान जिंदाबाद, बोलिए, कुछ नहीं सुनूंगा आपकी। आप भारतीय धरती पर बैठे हैं, हिंदुस्तान की धरती पर बैठे हैं, बोलिए हिंदुस्तान जिंदाबाद। अरे बाबा सुनिए, अरे हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलिए, अगर बोल सकते हैं। अभी आपकी पोल खोल रहा हूँ, मैंने कहा बोल रहे हैं आप? ये देखिए वकार जैसे लोग, इंडिया मेरा है, सुनिए ना, इंडिया जिंदाबाद, इंडिया का कुतुब मीनार, ताजमहल, ताजमहल, लाल किला, चार मीनार, अजमेर, हाजी अली, ये सारा इंडिया मेरा है। इंडिया को बनाया मुसलमानों ने, हजारों उलमा हजरात ने अपनी जाने दी है। आरएसएस कच्चे वालों ने थोड़ा बनाया इंडिया को। अच्छा आप ही ने तो बनाया, आप ही तो ईंट लगा रहे थे, आप ही तो ईंट लगा रहे थे, आप ही तो ईंट लगा रहे थे वहां पर।
आप ही तो हीट लगा रहे थे, आप ही तो हीट लगा रहे थे। आपको पता है, आपको पता है आप लोगों की औकात क्या, आपको आप लोगों की औकात पता है? वकार आपको आपके औकात बताता हूँ, एक मिनट रुकिए। वकार आपको आपके औकात बताता हूँ, किसी और बाहर, किसी और बाहर के मुल्क में जाएंगे। सुनिए वकार, सुनिए सुनिए वकार, एक मिनट रुकिए वकार, वकार सुनिए। बाहर के मुल्क में जाएंगे तो वो आपको पैसों का टट्टू समझते हैं, वो आपको कभी भी कबूल नहीं करेंगे। आप कभी भी कबूल नहीं करेंगे। आप जो उनसे प्रेम, जो उनसे भक्ति रखते हैं, आप जो उनसे प्रेम, उनसे भक्ति, उनसे दिल लगाते हैं, वो आपको टट्टू समझते हैं। मुझे किसी के मुल्क में क्यों जाना, आपको टट्टू समझते हैं। जम्मू कश्मीर में समझे आप, मुझे क्यों जाना किसी के मुल्क में, मैं जन्नत में हूँ, मुझे क्यों जाना दोजख में, मैं जन्नत में बैठा हुआ हूँ। ये जो जन्नत में बैठे हुए हैं, इसी देश की सेना की वजह से बैठे हुए हैं, वरना आपके साथी पाकिस्तान से आकर आपको ही कब का मार चुके होते, समझे? आपको ही कब का मार गए होते आपके साथी, काम निकल जाएगा, आपको पता चल जाएगा, समझे आप? ये भारतीय सेना की वजह से आप वहां पर सुरक्षित बैठे हुए हैं, समझे आप? वकार वकार, आज बातें कड़वी लग रही होंगी, मैं बताता हूँ, एक दो साल बाद आप मेरे पास आएंगे और कहेंगे सर आपने जो कहा झूठ कहा। सुनो वकार, बस खत्म, बस हो गया आपका, बस हो गया आपका, यूपी में ले जाइए, ठीक है? वंदना जी के पास आऊंगा, बस बहुत सुन ली आपकी, इससे ज्यादा समय नहीं दे सकता आपको, ठीक है? वंदना जी, वंदना जी सुन रही थी आप? हाँ, ऐसे आदमी चले गए, डर के भाग गए, लेकिन आप मलामत की है आपने, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, आपने इनकी बहुत अच्छी मलामत की है आपने, ये डिजर्व नहीं, मलामत नहीं करिए, मैं किसी की मलामत करने के लिए नहीं बैठा हूँ। देखिए वंदना जी, ऐसा मत बोलिए आप, मैंने उनको सबका सामना करा, आपने बहुत अच्छी की है, आपने की है, क्योंकि वो गलत शब्द बोल रहे थे कि पाकिस्तान में हिंदुओं को मरवा देंगे, ये कितना अपमानजनक शब्द है। पहली बार जब देश आजाद हुआ, जिसको इतनी पीड़ा थी हिंदुस्तान के हिंदुओं से, तो उनको तो बापू महात्मा गांधी ने एक मुल्क काट के दे दिया था, क्यों नहीं चले गए वहां, क्यों नहीं इनके पूर्वज, इनके लोग, इनके बाप दादा, इनके खानदान काट काट कर देते रहे, काट काट कर देते रहे, तभी तो आज भारत की स्थिति है। अखंड भारत के जो टुकड़े किए धर्म के नाम पर, उससे बड़ी ऐतिहासिक कोई गलती नहीं हो सकती। आज इनको हिंदुओं से तकलीफ है, धर्म के नाम पर जो देश के टुकड़े करे गए, उससे बड़ी ऐतिहासिक कोई भूल हो नहीं सकती। आप देखें तो ये चले जाने, पहली बात, दूसरी बात ये कहते हैं कि ये हमने इनको बहुत कष्ट दे रखा है। इस देश में बाबर आक्रांता था, महमूद गजनवी लुटेरा था, इसने हमारे सोमनाथ का मंदिर लूटा, इसने हमारे प्रभु श्री राम के मंदिर को भी खंडित किया, औरंगजेब ने काशी की मूर्तियों को तोड़ा। ये तो तासीर में है इनके भाई, इनकी तासीर में है। अब आइए बांग्लादेश की बात करती हूँ मैं। बांग्लादेश के गृह मंत्री ने स्पष्ट तौर पर ये बात कही है कि ये सारा कुछ पाकिस्तान करवा रहा है, सारा कुछ पाकिस्तान। लेकिन वंदना जी, वंदना जी, वंदना जी, आपके बाजू में ये जो बैठे हुए कौशिक साहब, इन्होंने जो किताबों में पढ़ाया है कि बाबर महान, अकबर महान, दिल्ली में जब मैं सड़कों पर घूमता हूँ, दिल्ली की कनॉट प्लेस की सड़कों पर घूमता हूँ, दिल्ली में जहाँ मंत्री बैठते हैं सड़कों पर घूमता हूँ, अकबर की रोड है, बाबर की रोड है, यहाँ तक कि मान सिंह की रोड है, जो कि अकबर का सेनापति था, इन लोगों ने ही तो बनवाई। ये आपके बाजू में बैठे हैं, इन्हीं ने तो देश का ये हाल किया, इन्हीं की वजह से ये सोच पनपी कि आज बांग्लादेश में क्या कुछ हो रहा है हिंदुओं के साथ। वापस आ गए आप, बाहर निकालिए, सवाल हटा दीजिए, बकार साहब बार अच्छे से नहा लीजिए, पाकिस्तान लेकिन मैं बता रहा था कि अखिल कौशिक साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये हिंदुओं का नाम लेने से घबरा रहे थे। मैं बार बार आपको बांग्लादेश ले जा रहा था, आप घूम कर भारत आ रहे थे, आप पहलू खान के पास आना चाहते हैं, अखलाक की बात करना चाहते हैं, लेकिन आप जो बांग्लादेश में कत्लेआम हो रहा हिंदुओं का, उस पर नहीं बोलना चाहते। एक नया गेस्ट आ रहा है, उसको ओपन करें। ये आपकी क्यों नहीं बोलना चाहता? ये आपकी मानसिकता की वजह से ऐसा नहीं, क्योंकि आपने यहाँ पर बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत है। बाबर की रोड बनवाई, मानसिंह की रोड बनवाई, जो उनका सेनापति था, लेकिन आपने किसी भी हिंदू सम्राट की रोड नहीं बनवाई, पृथ्वीराज चौहान की भी सड़क नहीं दिखती। ये आपकी एंटी हिंदू मानसिकता को दर्शाता है।
परेशान हो गए क्या? अब ठीक है, कौशिक साहब को सोचने में थोड़ा वक्त लगेगा। आवाज, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। ठीक है कौशिक साहब, हेलो, अब आ रही है क्लियर? जी, हाँ जी बताएं, पूछिए। सवाल इतना लंबा चौड़ा किया था आपने, सुना? बताएं, बताएं, बताएं। ठीक है कौशिक साहब, मैं ये कह रहा था, ठीक है कौशिक साहब, मैं ये कह रहा था कि आज बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, इससे पहले हमने यही चीज़ें कश्मीर में देखी, इससे पहले यही चीज़ें हम पाकिस्तान में देखते आ रहे हैं, और भारत में भी ऐसी ही सोच, ऐसी ही मानसिकता जो है वो पनपती रही है। क्या आपको नहीं लगता कि इतिहास में जो आपने भूल की, आपकी पार्टी ने भूल की, भारत के टुकड़े किए? इसके साथ ही साथ भारत में जब हम दिल्ली की सड़कों पर भी निकलते हैं, ये मेरा बहुत पर्सनल है, दिल्ली की सड़कों पर जब निकलते हैं, अकबर रोड दिखती है, बाबर रोड दिखती है, मानसिंह रोड दिखती है जो उन्हीं के सेनापति थी, लेकिन कहीं भी पृथ्वीराज चौहान की सड़क नहीं दिखती, सम्राट महाराणा प्रताप की सड़क नहीं दिखती, मिहिर भोज सड़क नहीं दिखती। या आपने जो भारत में एंटी हिंदू जो एक परसेप्शन सेट किया है, आप मानते हैं? ये आपके परिकल्पना है पूरी तरीके से। ठीक है, एक मेहमान हमारे साथ और जुड़ा हुआ, नेहा भारती जी जुड़ी हुई है। नेहा भारती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या ताज, क्या ताजमहल भारत की निशानी नहीं है? मुझे बताइए आप। जी बताइए। क्या ताजमहल प्यार की निशानी नहीं है? क्या आप उसे ताजमहल प्यार की निशानी है? ताजमहल प्यार की निशानी मुझे बताइए। किताबें आपने कम पढ़ी है शायद। एक साथी आश्चर्य में, शाहजहां की अगर सैकड़ों बीवियां हैं, एक की याद में वो एक मीनार बनवाता है, तो वो प्यार की निशानी है? ये कौन सा प्यार है भैया जो सौ सौ से होता है? ये कौन से प्यार की निशानी होती है जो सौ सौ से होता है? और उसके बाद आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप कांग्रेस से हैं, कांग्रेस कैसी हो चुकी है पार्टी? कांग्रेस इतनी कमजोर कैसे होती चली गई? आज आपको ये, आपकी ये हालात है, आपके ये हालात है, आपके ये हालात हो चुके हैं। आप चैनल पर बैठ के कह रहे हैं कि कुछ भी हो, प्यार की निशानी तो दी हमें मुसलमानों ने, प्यार की निशानी के अंदर ज्वलंत मुद्दे हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात है, दलितों के उत्पीड़न की बात है, महंगाई है, बेरोजगारी है। इसलिए हिंदुओं को मरने दें, इसलिए हिंदुओं को बांग्लादेश में मरने दें। इसमें हिंदुओं के मारने की जैसी बात कहां से आ गई? बांग्लादेश में हिंदू मर रहे हैं, बांग्लादेश में हिंदू मर रहे हैं, उसकी बातचीत ना करें क्या? बातचीत ना करें, आपकी तरह डर के बैठ जाएं, आपका एजेंडा सेट करें, हिंदुओं की बात ना करें, हिंदुओं के कत्लेआम की बात ना करें, आपका एजेंडा चलाएं, आपका एजेंडा चलाएं, हिंदुओं के कत्लेआम की बात ना करें, हिंदुओं के कत्लेआम की बात ना करें। पूरा देश आपको देख रहा है इस वक्त, सुनिए, हिंदुओं के कत्लेआम की बात ना करें, देश की बात होनी चाहिए, नहीं, हिंदुओं के कत्लेआम की बात ना करें, डर जाएं, आपका एजेंडा चलाएं, आपका प्रोपेगेंडा चलाएं, कांग्रेस की तरह हो जाएं, हिंदुओं की बात ना करें। कौशिक साहब, मोदी जी की ऐसा नहीं होगा, कौशिक साहब ऐसा नहीं होगा, वो दिन चले गए, वो दिन चले गए कौशिक साहब, वो दिन चले गए कौशिक साहब, अंदर बैठा है, आप उसकी बिल्कुल चर्चा नहीं करना चाहते हैं। बांग्लादेश जो भारत का बनाया हुआ है, अगर बांग्लादेश जैसे छोटे राष्ट्र में अगर हिंदुओं का या हमारे किसी, ठीक है छोटे राष्ट्र में दो चार हिंदू मर जाते हैं तो क्या दिक्कत है, यही कहना चाहते हैं ना? इसमें दो चार हिंदू या नहीं, आपने बोला बांग्लादेश हमारे द्वारा बनाया गया हुआ छोटा सा देश है, अगर कोई घटना, क्या कहना चाहते हैं? आपके पड़ोस में है, हमारा बनाया हुआ है, भी अरे तो हमारा बनाया हुआ तो क्या करें, मरने दे क्या हिंदुओं को? तो ये कब कहा से, किसने कह दिया आपसे, ये किसने कहा आपने? सरकार सख्त से सख्त कदम उठाए, उनकी सुरक्षा के बारे में बात करें, बाकी सरकार से क्यों नहीं स्टेप बोर्ड उठाती? अच्छा, जरा सा भी कहने में इतनी घबराहट होती है, चंद वोटों के लिए आपकी हालत क्या हो? आपका चेहरा बता रहा है कि फंस चुके हैं, चेहरा लाल हो गया आपका, चेहरा लाल पड़ गया आपका, आपका चेहरा लाल पड़ गया हमारे घबराहट के, पोल खुल चुकी है आपकी, बिल्कुल। चलिए ठीक है, भारती जी और हमारे साथ जुड़ी हुई है, ठीक है रुकिए, आप बहुत हो गया, भारती जी और जुड़ी हुई हमारे साथ। भारती जी, आप हालांकि थोड़ा सा देर से जुड़ी, लेकिन आपको बता देता हूं कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं और उस पर बातचीत कर रहे हैं, उस मानसिकता की बात कर रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान हुआ, अफगानिस्तान हुआ, लेबनान हुआ, सीरिया हुआ, तमाम इस्लामिक कंट्रीज हुई, इसके साथ ही बांग्लादेश हुआ, ये हिंदुओं के पर जो हिंदुओं का कत्लेआम है, नरसंहार, ये कब तक होता रहेगा और कब तक इसको बर्दाश्त किया जाता रहेगा? देखिए, पहले तो अपनी बात यहाँ से शुरू करना चाहूंगी कि 2014 के बाद से, तब से बीजेपी यहाँ पर आई है हमारे भारत में, तो हमने ये देखा कि हमें एक ही मुद्दा यहाँ पर देखा हमेशा से, मतलब जहाँ एजुकेशन पे बात होनी चाहिए, जहाँ पर वो लड़कियों की सुरक्षा पे आए थे, वहां पर वो हिंदू मुसलमान करते हैं।
अभी तक 2014 से हमारा 2022 आने वाला है, हमने हिंदू मुसलमान पाकिस्तान हिंदुस्तान। अब आप ये देखिए कि जब हम वही लोग, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का लाभ लिया आपने? अरे कहाँ लाभ हुआ, कौन सा? शिक्षा की बात कर रही हैं आप, मैं वही बात कर रहा था आपसे, मैं वही बात कर रहा था आपसे कि बेटियों की पढ़ाई की बात आप कर रही हैं। नहीं रुकिए, मैं यहाँ पर क्या डिस्कस कर रहा हूँ, किस मुद्दे की बात कर रहा हूँ, आप उस मुद्दे पर चर्चा कीजिए। शिक्षा का क्या आंकड़ा है, शिक्षा का क्या ग्राफ है, उस पर बातचीत नहीं हो रही। मुझे तो आने तो दो, मैं उसी पे बात कर रही हूँ, आप मेरी बात को सुनिए। ठीक है ठीक है, हाँ आप मेरी बात, हाँ मेरी बात सुन। तो जब उस मुद्दों पे बात होनी चाहिए कि पर हमारे यहाँ बात किस चीज पे हुई, हिंदू मुसलमान। अच्छा, हमारे यहाँ लगातार हमने देखा मॉब लिंचिंग लगातार होती रही, लगातार भारत में मॉब लिंचिंग देखी, जिनके लिए दूसरे देशों में आवाज उठी। हमने हमेशा देखा कि यहाँ पर हिंदू मुसलमान को कपड़े का फर्क करके देखा जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि कपड़ों से हम पहचान जाते हैं, एक जाति को एक धर्म को उन्होंने टारगेट किया। अमित शाह ने शाहीन बाग पर जाकर ये बात कही कि करंट लगना चाहिए, जिस देश के प्रधानमंत्री, जब आपका हो जाएगा तो बता दीजिए, गृह मंत्री ऐसे होंगे उस देश में हिंदू मुसलमान तो होना जाहिर था और हुआ भी। ठीक है, हो गया। अब हमारी भावनाएं तब भड़क गई हैं जब बांग्लादेश में ऐसा हो रहा है। बांग्लादेश को आप देखिए एक बारी, बांग्लादेश वही देश है जब हमारा बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था एक टाइम। ठीक है, हो गया आपका। ठीक, नेपाल आज देखिए वो हमारा दुश्मन, भूटान देखिए वो हमारा दुश्मन। मैं कुछ बोल सकता हूँ? ठीक है, मैं कुछ बोलता हूँ। एक काम करिएगा भारती जी, आप अपना फोन उठाइए, उस पर गूगल खोलिए, गूगल खोल लीजिए, फोन उठाइए गूगल खोलिए, और गूगल के साथ ही मुझे वो खबरें दिखाइए। नहीं बकार साहब, आप रुकिए, बकार आप रुकिए, भारती जी आप गूगल खोलिए, गूगल खोलने के बाद, आप गूगल खोलने के बाद उस पर डालिए कि मुसलमानों के 20 घर जलाए गए, डालिए आप उस पर। ठीक है, मुसलमानों के 70 घर, 20 घर चलाए गए, मुसलमानों के 70 घर तोड़े गए, डालिए। ठीक है, उसके बाद आप डालिए कि मुसलमानों के मंदिरों में जाकर मूर्तियों को तोड़ा गया, आप डालिए, आप डाल के मुझे बताइए कि ये खबर आजकल चर्चा में है, कहीं हो रहा है ऐसा, ऐसा हो रहा है, ऐसा मुसलमानों के साथ हो रहा है? आपने बीजेपी का प्रवक्ता नहीं बैठा रखा, ऐसा लग रहा है आप ही प्रवक्ता है। नहीं नहीं, आपको लगेगा ऐसा, लग सकता है, लग सकता है आपको। ठीक है, लग रहा है। ठीक है, आप बताइए। नहीं बताइए, आप बताइए। आप कांग्रेस देखिए, जब कांग्रेस बोलती है तो आप बोलने नहीं देते हैं, बकार एस भट्टी बोलते हैं तो आप बोलने नहीं देते हैं, हम बोलते हैं तो आप बोलने देते। देखिए, इस सब चीजों का पक्ष रखने के लिए हमें बीजेपी को प्रवक्ता बैठाना चाहिए। आप तो रिपोर्टर, आप बात बताइए, आप बात बताइए, मैं उस पर भी आऊंगा, आपको इसका भी जवाब दूंगा, पहले ये बताइए। क्या बताऊं? नहीं, मैंने जो आपसे पूछा, आपने कहा कि ये बातें नहीं कर रहे हम, ये बातें नहीं कर रहे, तो मैंने आपसे पूछा कि आप ये बताइए गूगल खोलकर कि भारत में कहां 20 मुसलमानों के घर जलाए गए, 70 से ज्यादा घरों में तोड़फोड़ हुई, किस मस्जिद के इमाम का सरेआम कत्लेआम कर दिया गया, कहां पर पूछा गया कि आप मुसलमान हैं, उनको रोजाना गोली मारी जा रही है, आप मुझको ये बताइए। मुसलमान है इसलिए मेहंदी नहीं लगाएगा तू हाथ में, मुसलमान है तो हमारी बेटियों को चूड़ी नहीं पहना सकता, आपको मारा जाएगा, आपको मॉब लिंचिंग किया जाएगा। ठीक है, ये हमने हमारे भारत में देखा है। नॉन मुस्लिम हूँ, मुस्लिम नहीं हूँ मैं, आप ये मत सोचिए कि मुस्लिम हूँ इसलिए मुस्लिम का पक्ष ले रही हूँ। आप बता क्यों रही हैं? मैंने आपसे पूछा ही नहीं, आप क्यों बता रही हैं? आप क्यों बता रही? मैंने आपसे पूछा ही नहीं। आपको लगता है ना कि भैया मुस्लिम? मुझे कुछ नहीं लगता, मुझे जो लगता है आपको नहीं पता होगा। आप रुकिए, अब आप बताइए जनाब, आपको लगता है? नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता, आपको जो लगता है आपको लगता होगा और बड़ा शानदार लगता होगा, ठीक है, लेकिन मैं आपकी बातचीत कर रहा हूँ, आपसे बातचीत कर रहा हूँ जी। आपने ये सुना कि मुसलमान मेहंदी नहीं लगा सकते? आप व्हाट्सएप ग्रुप, कौन कौन से व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ी हुई हैं? आपको बड़ा भ्रमित किया जा रहा है। हाँ जी, आपको व्हाट्सएप ग्रुप से आप एग्जिट करिए तुरंत, आप बड़ा भ्रमित हो चुके हैं। नहीं वकार जी, वकार, वकार साहब, वकार साहब रुकिए, वो अकेले बोलने में सक्षम है, आप अभी मैं बताता हूँ आपको, रुकिए, अब आपने बोल लिया। भारती जी आप कह रही थी कि बीजेपी का प्रवक्ता, रुकिए वकार साहब, रुकिए वकार साहब, वकार साहब, वकार साहब, वकार साहब, वकार साहब रुक जाइए, वकार साहब रुकिए, वकार साहब रुकिए, रुकिए। देखिए ऐसा है, बीजेपी का प्रवक्ता, उनका पक्ष रखने के लिए वंदना जी हमारे साथ थी, जो कि आरएसएस विचारक भी है, ठीक है। इसके साथ ही आप खुशकिस्मत हैं कि आपको वकार साहब ने खुद कहा कि एक और लाइए, तो आप भी आए हैं, आप दो लोगों को मौका दिया गया है ताकि आप अपनी बात रख सकें, आप समझ रहे हैं इसको? आप दो लोगों को मौका दिया गया कि आप अपनी बात रख सके, और मैं आपसे बस इतना कहना चाहूंगा भारती जी कि आप जिन जिन व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ी हुई है, जिन व्हाट्सएप ग्रुप में आपको यह बताया जाता है कि मुसलमान मेहंदी नहीं लगा सकता, मुसलमान मेहंदी नहीं लगा सकता, आप गलत हैं, आप गलत हैं, आप गलत हैं।
मुसलमान मेहंदी नहीं लगा सकता, आपको भड़काया जा रहा है, आपको भ्रामक जानकारियां दी जा रही हैं, आप फंसी हुई हैं कहीं, आप रुकिए, आप फंस चुकी है कहीं, आपको भड़का रहे हैं लोग, आपको भड़का रहे हैं कुछ लोग, आपको आप मुझे गाली देने वाली है थोड़ी देर में, उससे पहले आपको बता दूं, रुकिए आप, आपको जिन्होंने बोला कि मुसलमान मेहंदी नहीं लगवा सकते, आप व्हाट्सएप ग्रुप से लेफ्ट हुई है, उस व्हाट्सएप ग्रुप से लेफ्ट हुई है जहां पर आपको ये सब भड़काया जा रहा है। चलिए सब चुप क्यों हो गए? भारतीय आ गई है, सब डर गए। आप तालियां और बजा दीजिए, नाच गाना और कर दीजिए, आप भारती जी आ गई है, ठीक है भारती जी बोलिए। भारती जी मैं आपसे ये बोल रहा था कि भारती जी भारत में अगर मुसलमान जो महिलाएं हैं उन्हें मेहंदी नहीं लगाने दी जाती, अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको भ्रमित कर रहे हैं ये लोग, आप व्हाट्सएप ग्रुप से निकल जाइए इनके, आप ये लोग आपको इसी तरीके की बातों से बरगलाते रहेंगे, परेशान करते रहेंगे। आपको ऐसा लगता है तो आप कभी आइए, आप भारत घूमिए, भारत भ्रमण करिए, आप अगर पुलवामा अनंतनाग यहीं घूमती रहेंगी तो आप वहीं तक सीमित रह जाएंगे। आप बाहर निकल कर आइए, भारती जी बाहर निकल कर आइए। सोशल मीडिया पे नहीं, भारती जी बाहर निकल कर आइए और चीज को समझिए, और जिस तरीके से भारतीय लोगों को सोशल मीडिया पे दिख भ्रमित कर करके भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई, आज उनसे सरकार नहीं चल पा रही है, सरकार की विफलता के कारण आपको ये सब एजेंडे के तहत ये सब डिबेट करानी पड़ रही है। अरे भैया 70 साल आपने सरकार चलाकर जो आम पब्लिक का आम पब्लिक को जो आम पकड़ाया था और बाद में उनको चूस लिया वो सबने देखा है। आप देखिए मैं भारती जी से बस इतना कहना चाहूंगा, भारती जी आप ठीक है, मैं भारती जी से बस इतना कहना चाहूंगा कि भारती जी रुकिए, आप सब रुकिए, आप सब अरे आप रुकिए, और ये भारत के समाज को भारत के ताने बाने को जो जोड़ा कांग्रेस ने, उस ताने बाने को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस इस देश के अंदर कर रही है। 70 साल में इतना कच्चा जोड़ पाए थे कि भारतीय जनता पार्टी ने 7-8-9 सालों में जोड़ तोड़ दिया। कांग्रेस पार्टी इस देश के अंदर चली है पूरे देश, मतलब 70 सालों में इतना कच्चा जोड़ पाए थे कि 7 साल में बीजेपी ने उसको तोड़ दिया। भारत जो भारत की सलाह से काम करते थे वो आज भारत से सब नाराज है। बांग्लादेश को ले लीजिए, पाकिस्तान कभी अलग रहा, नेपाल भूटान ठीक है इसलिए हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है। कांग्रेस ये कहना चाहती है इसलिए हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है। आपके मुंह से हिंदू शब्द नहीं निकलता, वर्ण मारे घबराहट के आप चुप हो जाते हैं। बिल्कुल गलत कह रहे हैं। किसी भी देश के नागरिक का किसी का भी कत्लेआम होना, हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, हिंदू बोलिए। आपने पूरे एक घंटे के कार्यक्रम में हिंदू शब्द नहीं बोल पाया। अगर हिंदुओं का कोई कत्लेआम किया जा रहा है तो बहुत गलत है। बांग्लादेश की खबर नहीं दिखी आपको, किया जा रहा है कि हो रहा है? लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिन्हें हिंदू का ठेका ले रखा है वही हिंदुओं का दुश्मन बनाने रख रही है। अल्पसंख्यक यहाँ बहुत इस देश के अंदर, उन्हें डराया, धमकाया। ठीक है चलिए, ठीक है वंदना जी भी हैं, भारती जी को ठीक है, वंदना जी भी हैं। रुकिए कौशिक साहब हो गया आपका, वंदना जी भी हैं, भारती जी अभी बड़ी परेशान हो गई थी, विचलित हो गई थी कि यहाँ पर कोई अन्य पक्ष रखने के लिए क्यों नहीं है, तो वंदना जी हमारे साथ है। वंदना जी भारती जी को कुछ लोगों ने भ्रमित किया है कि भारत में दरअसल मुसलमान महिलाएं जो हैं वो मेहंदी नहीं लगा सकती, भारत में मुसलमान महिलाओं को अधिकार नहीं है, फ्रीडम नहीं है, तो इनको कुछ इस तरीके से बरगलाया जा रहा है, तो इनका जरा मार्गदर्शन कीजिएगा वंदना जी। नहीं भारती तो मेरे लिए पुतलवत है क्योंकि बहुत छोटी उम्र की दिख रही है मेरे लिए। अरे भाई आप गलत देखो, हमारी गलत बातों को गलत पेश करती हैं क्या? और मैं बोल कह रही हूँ, आपने ये सुना? मैंने ये कहा नहीं, मार्गदर्शन चल रहा है अभी, आपका मार्गदर्शन चल रहा है, आप थोड़ा सा टिप्स लीजिए। आप वंदना जी बताइए, अच्छा मार्गदर्शन वंदना जी की आवाज नहीं सही आ रही है। जो जिनका भारत के आजादी में कोई योगदान नहीं है वो योगदान टिप्स देंगे अब? ठीक है, आप कहाँ धनुष लेकर घूम रहे थे आजादी दिलाने भारत को? आप कहाँ धनुष लेकर घूम रहे थे भारत को आजादी दिलाने? कोई तस्वीर हो तो दिखा दीजिए, उसको कार्यक्रम में भी चलवा देता हूँ बीच में। ठीक है, राहुल गांधी कहाँ घूम रहे थे? राहुल गांधी ठीक है, राहुल गांधी की अगर कोई भी तस्वीर दिख जाए, इंदिरा गांधी की तस्वीर दिख जाए, राजीव गांधी की तस्वीर दिख जाए धनुष लेके आजादी दिलाते हुए, तो जरूर भेजिएगा कल के कार्यक्रम में, एक बार फिर दिखा दूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। कौशिक साहब पानी पीजिए ठंडा, वो भी,
और वकार साहब आपसे तो मुलाकात होती रहती है, भारती जी आप हमारे साथ नहीं जुड़ी हैं लेकिन थोड़ा सा भ्रमित हैं, समय लगेगा, सब ठीक होगा। वंदरा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज का सत्यमेव जयते कार्यक्रम था जिसमें हमने बातचीत की, हमारे साथ मेहमान जुड़े। सत्यमेव जयते जो कार्यक्रम की शुरुआत अब हुई है तो ये इसलिए हुई है ताकि सत्य को सामने रखा जा सके, और इस कार्यक्रम में ना इधर की बात होगी ना उधर की बात होगी, सिर्फ सत्य की बात होगी और आखिर में सत्य की ही जीत होगी। धन्यवाद।